बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूं आपके पसंदीदा शो रिवायतों की लज्जत में। हमारे यहाँ पर लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, लेकिन अगर खाने के साथ साथ खाना बनाने का भी शौक़ हो तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, ये एक ऐसा ज़रिया माश भी है कि जिससे मुंसलिक लोग कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग ये बात भूल जाते हैं कि अगर हम अपने दस्तरखान में दूसरे लोगों को शामिल कर लें तो उसकी बरकतों में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और अल्लाह ताला भी इस बात को बहुत पसंद करते हैं। अगर हम अपने दस्तरखान में किसी को शामिल कर लें, लाइक कोई मेहमान हमारे घर में आ जाता है, कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, तो हमें अपने उस दस्तरखान की रौनक में उनको भी शामिल करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान में मज़ीद बरकतें शामिल कर दें और आपका दस्तरखान जो है वो मज़ीद कुशादा हो जाए। इसी के साथ ही अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज भी हमने यहाँ पे एक ऐसी टैलेंटेड शेफ़ को इनवाइट किया है जो रिवायती खाना हमें यहाँ बनाना सिखाएंगी। तो आइए उनको यहाँ बुलाते हैं और जानते हैं कि आज हमारे किचन में वो क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोना मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मोना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। मोना, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से पंजाबी हैं? जी जी। देख के मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया है, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा जब इन्ग्रीडियंट्स को, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बनने वाला है। मज़ीद मोना से पूछते हैं कि वो क्या बनाने वाली हैं। अंडे चने, अंडा चना। अंडा चना, जी ओके। अंडा चना, लाइक ये आपने, आप क्यों बनाने वाली हैं आज हमारे यहाँ पर? ये है कि ये लाहौर की स्पेशल, जैसे कराची की जान बिरयानी है तो लाहौर की जान चने है। अच्छा, और ये क्या लंच या डिनर में यूज़ होता है या नाश्ते में इसको ज़्यादा खाते हैं? ज़्यादा तो नाश्ते में खाया जाता है, पर ये है कि जिस टाइम दिल करे खा लो, अपनी पसंद है, और ज़्यादातर तो खाया जाता है वो नाश्ते में ही खाया अच्छा, जाता है। अच्छा, तो पंजाबी लोग वैसे भी ना नाश्ता बड़ा हैवी करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों से होता नहीं है, कोशिश तो वो भी वीकेंड्स पे करते हैं, लेकिन पंजाबी लोग हैं वो बहुत हैवी नाश्ता करते हैं, तो वहाँ पर खाया जाता है। अच्छा मोना, मुझे बताएं कि अगर ये नाश्ते में खाया जाए तो बहुत हैवी नहीं हो जाता, वेट वगैरह पुट ऑन नहीं हो जाता? देखिए, जिसका वेट पुट ऑन होना ना, उसका वैसे भी होना, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। वो कई तो होते, वो कहते हैं हम पानी भी पी ले तो हम मोटे हो जाते मोटे हैं, हो जाते हैं तो ये तो खाने के बाद आप जरा अपना अच्छा वर्कआउट कर ले तो ऐसा वैसे भी चने तो हेल्दी है। ठीक है, हाँ हेल्दी, ऐसे तो ताकत मिलती है, चने तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, तो वेट तो नहीं बढ़ेगा आपका। मोना को आप देख सकते हैं कितनी स्लिम एंड स्मार्ट है माशाल्लाह से। तो मोना फिर स्टार्ट करते हैं। जी जी, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले चने हमने बॉईल किए हुए हैं, ठीक है, ये हमने रात को भिगो दिए थे और फिर इसको सुबह जैसे सोडा डाल के भिगो दिए थे। अच्छा, रात से सोडा डाल के इसको भिगो दिया था, फिर बाद में इसको चने का पानी इसको निकाल के, वो वाला पानी निकाल दिया था, इसको अच्छी से साफ करके फिर दोबारा इसमें पानी डाल के, इतना पानी डालना है कि चनों से ऊपर थोड़ा आ जाए पानी ना। अच्छा ठीक है, और तो इसको कितनी देर के लिए छोड़ देंगे? जब तक गलेंगे नहीं, जब तक गलेंगे अच्छी नहीं। तरह इसको गलाना है कि ये अच्छे से मैश हो जाए ना जैसे, तो ये वैसे गलाना है, तो ग्रेवी में भी थोड़ा सा ना इसका फ्लेवर आ जाए, ऐसा ही है। ठीक है, तो बॉइल करते वक्त इसको तीन पाव चने, ठीक है, उसमें हमने आधा चम्मच नमक का और ना थोड़ा सा ना साबुत गरम मसाला डाल दिया। साबुत गरम मसाला? जी जी, ओके। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला में क्या ऐड किया आपने? दालचीनी है। साबुत गरम मसाले में जैसे सारे इंग्रेडिएंट होते हैं ना मिक्स, वो सारे, जैसे तेज पत्ता भी होता है और बादियान का फूल भी होता है, ये सारी चीजें जो मिक्स होती है ना, काली मिर्च, जीरा, ठीक है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब ऐड करके, और फिर क्या उसको निकाल लेंगे या रहने देंगे? नहीं, इस पे थोड़ा सा रहने देंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, क्योंकि चनों में इसका जो, जैसे हम खाते हैं ना चने, तो उसमें ये मसालों का जो ज्यादा, इसमें ना लाल मिर्च वगैरह इतनी नहीं रहती, इसमें ज्यादा जो जाता है ना गरम मसाला और काली मिर्च। अच्छा, तो इसको जब हम बॉइल करने रखते हैं तो इसमें नमक पहले डाल देते हैं या बाद में डालते हैं? नमक डाल के थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि चनों में भी थोड़ा सा नमक डल जाता है ना, टेस्ट अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो फिर हमने चने बॉईल कर लिए हैं और आपको हमने तरीका बता दिया कि इसको बॉईल हमने किस तरह किया है, हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हमने पहले से करके रखी जी। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये मुझे देखिए,
ओके, ग्रेवी बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें ये है कि चनों में ना ऑयल ज्यादा डलता है, ऑयल ज्यादा डलता है तो कितना ऑयल लेंगे? इसकी जब हम चने जब भी कभी आपने खाए होंगे, आपने देखा होगा वो ऊपर से उसकी जो तरी होती है वो अलग से डाली जाती है। हाँ बिल्कुल, अलग से नजर आ रही होगी। तो ये इसका ये एक कप के करीब ना इसका इसके अंदर ऑयल जाएगा। एक कप हम ऑयल लेंगे, उसको हीट देने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसमें पिसी हुई प्याज जाएगी, पिसी हुई प्याज। प्याज कितनी ली आपने? एक बड़ी वाली। एक बड़ी वाली प्याज? बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज की। नॉर्मल साइज की, उसका पेस्ट बना लिया। तो पेस्ट बनाने में क्या पानी शामिल करना है? थोड़ा सा, ज्यादा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। मोना, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसको थोड़ा सा पकने देंगे कि ये हल्का सा ना इसकी जो प्याज का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, और वैसे अगर हमने इसको ना इसका पेस्ट बना लिया तो वो नजर भी नहीं आएगी, वरना ये है ना कि नजर आती है। क्योंकि चनों में आपने देखा होगा जस्ट उसकी ग्रेवी होती है, प्याज वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं नजर आता, ठीक है। मोना, तो आप ये बचपन से ही खा रही हैं अपने घर में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब नहीं खाती, यानी जब तक शादी से पहले लाहौर में थी तो खाती थी। अच्छा, अब नहीं खाती, अब यहाँ आ गए। घर में नहीं बनते? बनते हैं पर इतना नहीं, इतना वहाँ नहीं। तो था ना कि डेली सुबह का नाश्ता ही यही था। डेली बनते थे? अच्छा। बनते नहीं थे, बाहर से आते थे। बाहर से आते थे और कभी कभी घर में भी बन जाया करते थे। जी ठीक है, तो यहाँ भी कभी कभी आपका अगर दिल चाहता होगा, जाहिर सी बात है आप बचपन से वही नाश्ता करती आ रही हैं। फिर रह के जाती हूँ, जाके खा के आती हूँ। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो नहीं ना अपने हाथ का खा, कभी तो दिल करता है ना किसी और का मिले। अब तो यही होता है, यही बोला जाता है कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही वाह कर लो। ठीक है मोना, तो प्याज यहाँ पे जब तक हो रही है थोड़ा सा टाइम है, तुम ब्रेक ले सकते हैं? नहीं बस ये हो गया, थोड़ा सा। हाँ तो हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं, उसके बाद हम हमारे नाज़रीन के सामने ही ऐड करेंगे जो भी आपने मसाले ऐड करने। जी जनाब, तो यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से ब्रेक लीजिए और फटाफट से वापस आइए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज रिवायतों की लज्जत के किचन में हमारे साथ मौजूद है मोना। मोना, ब्रेक में जाने से पहले हमने इसमें प्याज ऐड कर दी थी। जी, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें ना दही डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, नहीं नहीं, जस्ट इसको इतना करना है, पकाना है कि जस्ट ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। और बस ठीक है, तो कच्चापन खत्म करना है, एक दो मिनट इसको रख देंगे। जी जी, बस इसका कच्चापन खत्म करना है। ठीक है, प्याज का कच्चापन खत्म करके हमने इसमें दही ऐड किया। दही कितना ऐड किया आपने? दही ये एक प्याली में, एक पाव, आधा पाव है। ओके, दही डालने के बाद अगर दही नहीं है तो आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर ये है कि जो मेन इसकी ये है ना, ये रेसिपी में ये है, टमाटर नहीं डालते। ठीक है ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि आप वही वाला टेस्ट आए जो पंजाब का सुबह सुबह का लाहौर का जो नाश्ता होता है, तो आप इसमें दही ऐड करनी है। अगर दही आपके पास घर में मौजूद नहीं है तो आप इसमें टोमेटो का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर लेंगे तो कितने लेंगे? अच्छा, दही नहीं तो दूध की मलाई, वो भी डलती है। दूध की मलाई भी डल सकती है? वो खोए वाले चने नहीं जो होते, वो बनते हैं। ठीक है, और ये हाफ टी स्पून इसमें नमक, क्योंकि चनों में भी किया हुआ है। ठीक है, चने को जब हमने बॉईल किया था, चनों को बॉईल करने रखा था तो उसमें सॉल्ट डाला था, तो इसमें भी सॉल्ट थोड़ा सा हाथ रोक के डालेंगे। और क्या ऐड करेंगे? ये कुटी लाल मिर्च चाहिए। ठीक है, कुटी लाल मिर्च कितनी है? हाफ ही गई है ये भी, हाफ। ये अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, और ये रेड रेड वाला पाउडर है ना? जी जी, हाँ, पाउडर। ये कितना ऐड किया? एक टीस्पून, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। और क्या ऐड करेंगे इसमें? जीरा पाउडर। ये कितना है? हाफ टी स्पून। ओके, जीरा पाउडर जो है हाफ टी स्पून है। हमने जस्ट इसका ये जो ऑयल है ना, हाँ, इसको कलर देना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये ग्रेवी हम ऊपर से इसके हटा देंगे जब चने डालेंगे। मीडियम स्टोव पे पकाना है ना? जी जी ठीक है। हल्दी डालेंगे, हल्दी कितनी ऐड की? हल्दी क्वार्टर के क्वार्टर के करीब, उसको कलर आ जाए अच्छा सा। ठीक है, ये गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर। जी, ये कितना ऐड किया है? हाफ हाफ टी स्पून। और ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून, ये बन जाएगा, वन टी स्पून जाएगा धनिया पाउडर। लहसुन अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये कितना जाएगा? ये एक चम्मच जाएगा, बड़ा वाला चम्मच जाएगा।
वन टेबल स्पून जाएगा, है ना? जी, लहसुन अदरक। ठीक है ठीक है मोना, तो ये मसाले इसके कंप्लीट हो गए, कुछ रहता है? ये इसमें बस थोड़ी सी ना ये ग्रीन चिलीज डालनी है। जी जी ठीक है, ग्रीन चिलीज जो है इसको चॉप करके डालनी है? नहीं नहीं ऐसे ही पूरी पूरी। ऐसे पूरी अभी डालेंगे या बाद में? बस ये इसमें थोड़े से मसाले में इसका चले जाए टेस्ट। अच्छा ठीक है, इसको कट करना है? जी जी बीच में से। जी ठीक है जी, तो ये हमने टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए जो कढ़ाई मिर्च होती है ना, छोटी हरी मिर्चों से थोड़ी सी बड़ी वाली साइज़ की होती हैं, इसमें इतना तीखापन नहीं होता, तो हम ये उसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, क्योंकि रेड चिली पाउडर डाल दिया है तो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, इसलिए हम मिर्चें ये वाली यूज़ करेंगे। अब कितनी देर तक इसको? बस ये हो गया हमारा, मैं कर लूँ? जी ठीक है, इसको हल्का सा हो गया, और फिर हम इसका ना ये ऊपर से ऑयल सारा रिमूव कर देंगे। ठीक है ठीक है, अब हम क्या करने वाले हो ना? हलवा बनाएंगे। ओके, ये जस्ट बस इसका ना ये ऑयल रिमूव कर दें। ठीक है, ऑयल आपको ना इसमें सूजी डाल देती हूँ, आप हल्की सी सूजी की भुनाई। ठीक है हाँ ठीक है, ऐसा कर दें। आ जाए तो इसका मैं स्टोव ऑन कर दूँ? जी जी, तो यहाँ बन रहा है सूजी का हलवा। ये पहले हम इसमें डालेंगे सूजी डालेंगे। ओके, सूजी हमने कितनी ली है? ये एक कप के करीब है, यानी आधा पाव है। आधा पाव हमने सूजी ली है एक कप के करीब। ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और इसकी भुनाई करनी है मुझे। जी कितनी देर तक भुनना है? थोड़ा सा कि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, हमने इसको गोल्डन नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसको गोल्डन नहीं करेंगे। जी ठीक है, और ये इसमें से आप जो इसका ऑयल बहुत ज़्यादा आ जी रहा जी है, एक्सेस ऑयल आप इसका निकाल रही हैं? नहीं नहीं, ये निकालना ही होता है, क्योंकि इसके जो जब हम खाते हैं चने, जब हम इसमें चने के साथ ही ऑयल डाल दें, ऑयल के साथ ही चने करते हैं ना, तो वो ये होता है कि सारा ऑयल ना वो अंदर मिक्स हो जाता है, उसकी वो जो एक लुक आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, नहीं आती, तो ये हम इसमें चने डालने के बाद ऊपर से जी जी डालेंगे, वरना वो फिर वो साथ पकता है ना तो सारा ऑयल वो ख़त्म। ठीक है, नज़र भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया है? जी ये बस हो गया। चलें ठीक है, ये देखें बस अब इसमें सारे चने चले। ठीक है ठीक है जी, तो इसमें इसकी जो ग्रेवी है वो बन गई है, इसमें हमने चने शामिल कर दी हैं। वो ना इसको कितनी देर तक पकने के लिए रखेंगे? थोड़ी देर के लिए, जैसे 10-15 मिनट के लिए, कि जैसे इसका मसाला हमने बनाया वो इसके अंदर अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, फिर लास्ट में हम इसमें ना कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको कवर करने लगे। अब इसको जब हमने डाला है ना, तो थोड़ा सा ना इसको स्पून के साथ ना प्रेस करना है। ठीक है, ताकि इसमें थोड़े से चने जो है जी जी मैश हो जाए और इसका फ्लेवर भी आ जाए। अब हम इसको कवर करके रखते हैं ताकि थोड़ा सा पक जाए ये, और दूसरी जगह सूजी जो है उसको हम ब्राउन कर रहे हैं, ब्राउन नहीं कर रहे हैं, भून रहे हैं, हल्का सा भून रहे हैं। ठीक है, तो नाजरीन जब तक ये सूजी जो है वो हम भून रहे हैं, या वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, रिवायतों की लज्जत में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए, हमारे किचन में मौजूद हैं मोना मलिक, जो हमें यहाँ पे सिखा रही हैं सूजी का चना, अंडा चना और सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, चनों को तो हमने मसाला भून के चूल्हे पे छोड़ दिया है, ये बनते रहेंगे, गलते रहेंगे। सूजी के साथ हमने क्या किया है? सूजी को हमने थोड़ा सा भून लिया, फिर इसमें 4-5 इलायची डाली है। ठीक है, वो छोटी वाली इलायची जो पीली इलायची होती है वो हमने ऐड की है ब्रेक में, जब आप लोग ब्रेक पे गए थे। हमने घी डालेंगे। घी कितना ऐड करेंगे? एक कप घी ऐड करेंगे। ठीक है, एक कप हमने सूजी ली है और एक ही कप हम घी ऐड करेंगे, तो लाइक सूजी जितनी है, ये ओरिजिनल लाहौरी बन रहा है ना, तो घी भी इसमें ज़्यादा ही जाएगा। घी ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि मोना जो है वो देसी खाना खाने के बाद मोटी होती नहीं है ना, तो वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाएंगी। अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा कम रखना है तो रख भी सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आपको वही वाला टेस्ट चाहिए तो जितनी सूजी होगी जी जी उतना ही घी ऐड करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो एक लुक आएगी ना, घी अलग से तैरता हुआ।
ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इसको कितनी देर तक और रखना है। जस्ट बस ये हो गया, भुन गया, ये हो गया जी, जी। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? अब इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, चीनी कब ऐड करेंगे हम? चीनी भी ये पानी डालेंगे ना, फिर साथ चीनी डाल देंगे। अगर आपने इसके सार डालनी है, सार डाल दें। आज हमारे जो किचन में है बहुत ही मज़े का नाश्ता बन रहा है, जो कि लाहौर वालों का बहुत ही फेमस और रोज़ करने वाला वहाँ का जो हैवी नाश्ता जिसको कहा जाता है वो बन रहा है। अच्छा वो ना, मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी कि आपने कहा था कि अगर दही नहीं है तो हम मलाई शामिल कर सकते हैं। छोलों की मैं बात कर रही हूँ। जी जी, उसमें तो मलाई अगर हम शामिल करेंगे तो क्या फिर इसकी ग्रेवी के लिए इसमें टमाटर डालेंगे उस वक्त? नहीं, फिर नहीं, टमाटर नहीं डालेंगे। या नहीं। तो टमाटर डालेंगे या दही या मलाई। या मलाई, तो जी, मलाई जी। से आ जाएगा, ग्रेवी आ जाएगी इसकी। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर उसका ये होगा कि वो जैसे खोए वाले चने नहीं, वो एक उसका वो लुक टेस्ट वो आ जाएगा ना, क्योंकि जब वो मलाई मेल्ट होती है उसका एक वो जमी हुई जैसे होती है अलग अलग से, वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट नज़र आता है, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छा, तो ये भी लाहौर में इस तरह के चने भी मिलते हैं, अगर आप खोए वाले चने बनाना चाहते हैं तो आप दही और टमाटर की जगह इसमें मलाई ऐड करें, और मेरे ख्याल से उसकी ना ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना, ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगी उसकी इतनी, उससे मलाई वो मलाई जब मेल्ट होने में बनेंगे थोड़े से, नहीं ग्रेवी ऐसे ही बनती है, गाढ़ी होगी। जी जी, गाढ़ी ही होगी। सही है, ठीक है। तो हमने इसमें अब क्या शामिल करना है? पानी शामिल करना है। पानी शामिल, ठीक है। सूजी की भुनाई हो गई है घी के साथ भी, और अब हम इसमें पानी डालते वक्त ना चम्मच चलाते रहना कि गुठलियाँ नहीं बने। ठीक है, अक्सर जो है वो लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि इसमें गुठलियाँ क्यों बन जाती हैं, तो ये देखिए ये भी एक टिप है जो हर किसी को नहीं पता होती। तो इसमें जब हम पानी शामिल करेंगे तो चमचा हिलाते रहेंगे, और चीनी भी शामिल करनी है। जी, ये चीनी हम इसमें ऐड करें। चीनी कितनी जाएगी? ये आधा कप जाएगी। आधा कप चीनी जाएगी इसमें। और मोना, जब तक आप इसमें चीनी ऐड कर रही हैं, मैं हमारे नाज़रीन के लिए यहाँ पे रेसिपी काट कर रिव्यू दे रही हूँ, तो जल्दी से जाए, अगर कुछ मिस हो गया है तो उसको नोट कर लें। अंडे छोले का सालन, अज्जा, उबले हुए सफ़ेद चने 3 पाव, पिसी हुई प्याज 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, नमक हसब ज़रूरत, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप। तरकीब, तेल में पिसी हुई प्याज डालकर अच्छी तरह पका लें, फिर इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लें और बाकी सब मसाले डालकर अच्छी तरह पका लें, फिर इसमें उबले हुए सफ़ेद चने डालकर अच्छी तरह पका लें। मज़ेदार अंडे छोले का सालन तैयार है। सूजी का हलवा, सूजी 1 कप, चीनी 1/2 कप, घी 1 कप, इलायची 2 अदद। तरकीब, सूजी को पैन में भून लें, इसके बाद इसमें घी, इलायची और चीनी शामिल करके पकाएं। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसमें खूबसूरती के लिए फूड कलर शामिल कर लें। जब तैयार हो जाए तो बादाम और पिस्तों से गार्निश कर लें। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। जब आप लोग रेसिपी कार्ड का रिव्यू करने गए थे तो मोना, हमने हलवे में क्या ऐड किया था? हलवे में कुछ भी नहीं, पानी और चीनी उसी में कलर देने के लिए आपने हल्का सा जर्दा रंग डाला। ठीक है, फूड कलर हमने इसमें ऐड किया है कलर देने के लिए, और इसके अलावा अब हम हो गया, डन हो गया जी, हलवा भी हो गया और चने भी हो गए हैं। बस अब इसमें ना बिल्कुल लास्ट में ना काली मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च ये डालेंगे, 1 टीस्पून जी, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। हलवे को हमने कितनी देर पकाया था मोना? हलवे को 5 से 6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, और बस इसको अब हमने डिश आउट कर लेते हैं। जी ठीक है, बस ये और ये भी हो गए हैं। अब लास्ट में हम इसमें अंडे डालेंगे चनों में। ठीक है, इसमें अंडों को बॉईल करके रख लिया था, और हमने जब इसका स्टोव बंद कर दिया तो हमने इसमें बॉईल अंडे डाल दिए। ठीक है, हमने 4 अदद डाल दिए, आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हटा दूँ? जी चलो। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लाहौर वालों का जो सुबह सुबह का नाश्ता होता है, जिसे मोना बिल्कुल मोटी नहीं होती हैं, तो वो उन्होंने हमें हमारे किचन में बनाना सिखाया है।
यहाँ पर हमने लस्सी भी बनाई है। जी जी, लस्सी भी हमने बनाई है। लस्सी के पूरा फिर एक नाश्ता जो है पूरा करें, क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं ना, जो पंजाबी लोग होते हैं, लस्सी के बगैर तो उनका कोई नाश्ता होता ही नहीं है। तो वो ना इसके अलावा भी कुछ और वहाँ पे खाया जाता है नाश्ते में, या सिर्फ ये छोले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है? नहीं, हलवा पूड़ी है, वो निहारी होती है। निहारी भी सुबह सुबह, मैंने सुना है पाए भी वो लोग सुबह सुबह खा लेते हैं। पाए भी होते हैं हमारे यहाँ, तो सुबह सुबह नाश्ता हमसे होता नहीं है। अब ये जो ग्रेवी थी ना, ये देखें हम इसको बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये इसका कलर जो है इतना मज़े का आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम इसको रखें ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो देख सकें। ये आप देख सकते हैं कि छोले तैयार हो गए हैं, और वो जो ऑयल आ गया था उसके ऊपर जो हमने निकाल के अलग से रखा था, तो जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो ऑयल वही वाला हम यूज़ करेंगे ताकि इसका और मज़े का कलर आ जाए। जो बाहर हम कहते हैं कि मिलते हैं और ऑयल वैसा आ नहीं पाता, वैसी शक्ल आ नहीं पाती इसकी, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कितना मज़े का लग रहा है। और ये लस्सी है हमारे पास, और हलवा हम डिश आउट करके बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये नान हो गए जो सुबह सुबह खाया जाता है, एक कंप्लीट नाश्ता है हमारे पास। मोना, इसके अलावा हलवे में जो है वो नट्स भी हम ऐड करेंगे? जी जी, इसमें डाले हमने थोड़े से ना ऑलमंड्स डाले हैं। ठीक है, पकाते हुए थोड़े से डाले हैं, बाकी सारे हम ऊपर से डालेंगे। ठीक है, तो उसको भी चॉप कर लेंगे? जी जी। और उसको चॉप करने का तरीका क्या होगा, कि बॉईल करके चॉप करना है? ऐसे ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमने आलमंड्स ली थी, उसको चॉप कर लिया था, पकाते हुए कुछ शामिल किए हैं और कुछ हम उसको गार्निश करते हुए भी डाल सकते हैं। बोला वैसे कुछ लोग ना इसमें खोया भी बहुत पसंद करते हैं। इसके ऊपर खोया भी डलता है, तो पकने में भी डलता है या सिर्फ ऊपर से? हम नहीं, ऊपर से अगर अंदर डालेंगे ना तो फिर वो ये होगा कि वो सारा अंदर इनमें डल जाएगा। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने के साथ साथ। ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सा लाहौरी नाश्ता, जो लोग बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं, लस्सी के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। मोना, जाते जाते मैं सोच रही थी कि लस्सी जो है ये मीठी बनाई है आपने? मीठी वाली, मीठी वाली बनाई, तो वहाँ के लोग भी मीठी लस्सी पीते थे? मीठी भी और नमकीन भी। नमकीन भी पीते हैं? ठीक है, तो आपने मीठी बनाई है? जी, मैंने मीठी बनाई है। पर्सनली मीठी पसंद है, मीठी पसंद, इसलिए मीठी। तो इसमें वैसे हमने दही को दूध दही ज़्यादा डाला है, दही ज़्यादा डाला है ताकि लस्सी का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, कई लोग तो बिल्कुल दूध डालते भी नहीं, सिर्फ दही और चीनी डाली और बस। तो दूध डालते नहीं है तो फिर क्या पानी ऐड करते हैं, क्योंकि लिक्विड ही नहीं होती है ऐसा? नहीं, नहीं, दही वो जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो वो खुद ही लिक्विड हो जाता है। खुद ही लिक्विड हो जाती है जी। तो अगर वहाँ की असल चीज़, ऑथेंटिक रेसिपी आपको चाहिए तो यही है कि दही में आप कुछ भी ऐड ना करें। सिर्फ अगर आपने मीठी लस्सी बनानी है तो चीनी ऐड कर सकते हैं और उसको ब्लेंड कर लेंगे, तो मज़ेदार सी लस्सी तैयार है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जनाब। तो हम आपके लिए आज ये रिवायतों की लज़्ज़त में एक बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता लेकर आए हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो लोग जो यहाँ पर पंजाब से आए हैं या लाहौर से आए हैं और उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती यहाँ पर, नॉर्मली लोग नाश्ते में कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ मंगवा लिया जाए वीकेंड्स पे, लेकिन अगर आपके घर कोई आता है और आप चाहते हैं कि वही रिवायती लज्जत आए आपके किचन में और आपके दस्तरखान पर, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कुकिंग एक्सपर्ट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।